गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ऊष्मागतिकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी चैप्टर को। लेकिन ऊष्मागतिकी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऊष्मागतिकी क्या है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि ऊष्मागतिकी मूलतः ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन करता है। ऊष्मागतिकी ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन करता है। ऊर्जा रूपांतरण से क्या मतलब है? जैसा समझे कि ये एक स्कूटर है और स्कूटर में जो ईंधन है मान लेते हैं क्या है, पेट्रोल है। तो पेट्रोल क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें, अब एक पेट्रोल का केमिकल कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो उसमें एल्केन होगा, एल्कीन होगा, साइक्लो एल्केन होगा, साइक्लो एल्कीन होगा, बेंजीन होगा और भी कुछ सब्सटेंस होंगे। तो बेसिकली पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन जैसे हम लोग ले लेते हैं एल्केन CnH2n+2, और जब पेट्रोल का दहन होता है यानी कि पेट्रोल जब जलता है तब जा करके हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको इन द सेंस है इस स्कूटर को। और यह जो ऊष्मा है जो प्राप्त हो रही है या जो ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा जो है जो प्राप्त हो रहा है, उसी से स्कूटर क्या है आगे चल रहा है। तो एक रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा का कन्वर्जन किस में हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर हो गई बात? अब मान लेते हैं सिलेंडर है, सिलेंडर में उपस्थित जो गैस है वो भी क्या है, बेसिकली क्या, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। तो मान लेते हैं एल्केन, इसका भी जब दहन होता है, जब अंदर की गैस जलती है तब जाकर के हमको ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक रासायनिक ऊर्जा जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट परिवर्तित हो रहा, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। या फिर यहां पर एक ड्राई सेल है और ड्राई सेल में जो सब्सटेंस है, जो रासायनिक पदार्थ है या जो रासायनिक ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कि ऊर्जा के विविध प्रकार, ऊर्जा के विविध प्रकार, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो परस्पर परिवर्तित होती रहती है और इसी परिवर्तन का अध्ययन ऊष्मागतिकी करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि ऊष्मागतिकी क्या है? तो ऊष्मागतिकी और कुछ नहीं, ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन करता है। चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है और हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो उस प्रोसेस के बारे में थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे कि एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है A+B रिवर्सिबल विथ C। आप बच्चों ये बात जान लो कि कोई सिस्टम जिस पे हमको थर्मोडायनेमिक्स के लॉज अप्लाई करने हैं ये तभी पॉसिबल है जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में। तो पहले इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेते हैं। साम्यावस्था पर ही ऊष्मागतिकी के नियम प्रभावी हैं। क्लियर? साम्यावस्था पर ही ऊष्मागतिकी के नियम प्रभावी हैं। तो हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ऊष्मागतिकी अगर हम पढ़ ही ले रहे हैं तो इस केमिकल प्रोसेस के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं। जो सबसे पहली जानकारी दे सकते हैं वो ये है
कि ये प्रोसेस जो हो रहा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। पहली जानकारी तो यही दे सकते हैं। अभी स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब यह है कि यह प्रक्रिया अपने आप हो रही है अथवा नहीं। अब अपने आप हो रही है कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हम बाहर अगर नमी है, वायु और नमी है बाहर, इस समय तो काफ़ी होगा, ठंड का मौसम चल रहा है, आने वाला है, शीत ऋतु है, तो अगर बाहर का बाहर लोहा रखा हुआ है तो अपने आप ही उसमें जंग लग जाता है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर लोहे में जंग का लगना एक सामान्य घटना है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो पहली जानकारी कोई केमिकल प्रोसेस के बारे में थर्मोडायनेमिक्स यही दे सकता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो क्या करें इसके बारे में बता सकता है। यानी कि प्रक्रम को कैसे प्रेरित किया जा सकता है, कैसे प्रेरित किया जा सकता है। क्लियर? यह दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी। तीसरी जानकारी क्या है कि कोई केमिकल प्रोसेस या कोई प्रोसेस कितनी सीमा तक हो सकता है, कहां तक हो सकता है, इसकी जानकारी भी थर्मोडायनेमिक्स देता है। प्रक्रम की सीमा बताता है, यानी कि यह बताता है कि प्रक्रिया कितनी आगे तक जा सकती है। या फिर हम ये कहें कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो मैक्सिमम आउटपुट कितना दे सकता है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो एक और चीज़ में जान लीजिए, ऐड कर लीजिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हम लोग जानेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में, डेल्टा जी के बेसिस पर हम लोग ये तय करते हैं। प्रक्रम को कैसे प्रेरित किया जाता है वो डेल्टा जी कैलकुलेशन से पता चलेगा, या फिर इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है एलिंघम डायग्राम से, एलिंघम डायग्राम में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रक्रम की सीमा डब्ल्यू मैक्स यानी कि मैक्सिमम आउटपुट कितना हो सकता है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स बताता है। किसकी सहायता से? डेल्टा जी की सहायता से। हालांकि बहुत ढेर सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन का हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि ऊष्मा गतिकी के की अगर पढ़ाई हम लोगों ने कर ली है तो एक केमिकल प्रोसेस के बारे में क्या क्या हम बता सकते हैं। पहली चीज़ तो यही बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। दूसरी बात ये बता सकते हैं कि अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं हो रहा है, तो क्या चेंजेस हम कर दें या एक्सटर्नल सोर्स से क्या प्रोवाइड कर दिया जाए कि ये प्रोसेस हो जाए। क्लियर? और तीसरा, कोई प्रोसेस कहाँ तक हो सकता है। अब कहाँ तक हो सकता है इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, या फिर कोई अगर केमिकल प्रोसेस हो रहा है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो मैक्सिमम वर्क हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कितना प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी बताता है ऊष्मा गतिकी। ये तो आपने जान लिया कि क्या पता चल जाएगा, लेकिन ये भी जानना है कि ऊष्मा गतिकी क्या नहीं बताता है। तो बच्चों जानो, ऊष्मा गतिकी नेवर, थर्मोडायनेमिक्स नेवर डिफाइंस रेट ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बताता,
यानी कि प्रोसेस की स्पीड नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? ये तो कभी नहीं बता सकता थर्मोडायनेमिक्स। तो क्यों नहीं बता सकता, आइए जानते हैं। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स, इसको लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स डील्स ओनली विद द इनिशियल एज वेल एज फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकता, यानी कि प्रोसेस किस स्पीड से हो रहा है ये नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेज में पहले क्या था, अब क्या है, उसी पर डिपेंड करता है। बीच का क्या चेंज हुआ, बीच में क्या हो रहा है, उससे थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या बता सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के तो क्या क्या बता सकते हैं, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है तो फिर उसको स्पॉन्टेनियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या उसको प्रेरित कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी देता है। और यह भी बताता है कि प्रोसेस से मैक्सिमम आउटपुट कितना हो सकता है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ऊष्मा गतिकी के नियम आखिर क्यों साम्य अवस्था पर ही प्रभावी है। तो बच्चों इसका मतलब जानो। बच्चों एक चीज़ जान लो कि अगर हम कोई कह रहे हैं कि सिस्टम ए एक डेफिनेट स्टेट में है, सिस्टम ए एक डेफिनेट स्टेट में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसके जो स्थूल गुण हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये सारे के सारे गुण नियत हैं। मान लेते हैं दाब 1 atm है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 1 liter है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो ये सारे के सारे जो गुण है ना, वो इसी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, इसी स्टेट के बारे में बता रहे हैं। तब हम कह रहे हैं कि सबस्टांस ए, सिस्टम ए एक डेफिनेट स्टेट में है। और ये बच्चों साम्य अवस्था पर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। अगर सिस्टम ए इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि उसके ये सभी गुण स्थिर हैं। जैसे ही अगर ये स्थूल गुण बदल जाता है या साम्य अवस्था बदलती है, प्रभावित हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ये सभी गुण बदल गए हैं और सिस्टम ए अब किसी दूसरे स्टेट में चला गया है। तो बच्चों जानो, इसीलिए साम्य अवस्था पर ही ऊष्मागतिकी के नियम प्रभावी हैं, क्योंकि साम्य अवस्था पर किसी भी सबस्टांस के या किसी भी सिस्टम के स्थूल गुण नियत होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं समय के साथ साथ।